इस बात याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी मेनली किसने यूपीएससी की, और इससे कम से कम तुमको 7 से 8 क्वेश्चन मिलने का होते हैं, और मेन में एटलीस्ट मिनिमम तुमको यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे तुमको प्रीलिम्स में। आपको पूछेगा बायोटेक्नोलॉजी क्या है, क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, क्या कहोगे, डिफाइन कैसे करोगे, सिंपल सा डिफाइन कैसे करोगे। बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ, बायो मीन्स लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड है ये। अब लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या आता है, लिविंग वर्ल्ड में एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोब्स, एनिमल आ गया, प्लांट आ गया, माइक्रोब्स आ गया, आखिर एनिमल प्लांट और माइक्रोब्स है। सो व्हाई वी आर, अब इसमें कुछ चेंज करेंगे, इसमें क्या हो गया, डिजायर चेंज करेंगे, कैसा चेंज करेंगे, इसको डिजायर चेंज करेंगे बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर प्रोडक्ट। So that we will get what? Desired product, और ये product क्या हो सकता है, ये कोई medicine हो सकता है, ये product क्या हो सकता है, कोई plant variety, new plant variety हो सकता है, ये कोई plant का नया variety हो, ये product क्या हो सकता है, ठीक है, कोई biological weapons हो सकता है यहाँ पे, समझ रहे आप, या ये प्रोडक्ट बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, किसमें चेंज हम लोग कर रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड में चेंज कर रहे हैं, एनिमल में चेंज करेंगे, प्लांट में चेंज करेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चेंज करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर इंटेंडेड टू डू चेंज इन दिस एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोब्स, व्हाट आर द रीजन, क्यों चेंज करना चाहते हैं, पर्पस क्या है, इस चेंज का पर्पस क्या है, यस, इस चेंज का मेन पर्पस क्या है, यहां पे इस चेंज का मेन पर्पस ये है कि इसका एफिशिएंसी घट गया है, एफिशिएंसी क्या हो गया है, एक कारण ये हो सकता है घट गया, डिक्रीज एफिशिएंसी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हमारा पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुका है, पर इन कंपेयर टू दैट ये क्या है, इनसफिशिएंट अमाउंट में है, वी वांट टू, ठीक है, इंश्योर इट्स सफिशिएंसी एंड दैट्स व्हाई वी नीड अ न्यू वैरायटी दो सफाइसेस आवर एवरीडे रिक्वायरमेंट। हमारा बढ़ता हुआ पॉपुलेशन, अब उसके अकॉर्डिंगली हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास रहे, ये वैरायटी रहे, सो दैट कि हमारा एब्डोमेन जो है पूरा भरे, हमारी जो जरूरतें हो पूरा हो सके, बिकॉज ह्यूमन बीइंग फॉर देयर इंटायर लाइफ रिलेटेड नीड दे आर टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्लांट, एग्रीकल्चर और माइक्रोब्स, सो दे आर द बेसिकली द रिसोर्सेज, we can use these resources either directly or indirectly। आप खाने के लिए भी इसी का यूज करते हो, पहनने के लिए भी इसी का यूज करते हो, आपका कपड़ा भी इससे बना हुआ है, किसी तरीके से प्लांट मटेरियल्स, किसी तरीके से एनिमल के मटेरियल्स, आपके बॉडी के ऊपर जो है वो भी प्लांट का है, आपके बॉडी के अंदर जो है वो भी प्लांट का है, ठीक है, जो भी खाना खाए वो किसका बना हुआ है, इसने बनाया था, प्लांट ने बनाया था, तो अब प्लांट की क्या कम पड़ने लगे, एग्रीकल्चर जो है वो कम होने लगा है, जो वैरायटी है वो कम होने लगी है, और आबादी बहुत बढ़ गया हुआ है, तो क्या वो खाने का समस्या पैदा होगा, तो हम इसलिए चाहते हैं कि इसके वैरायटी हम चेंज करें, और आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन भी है उसे भी कोई दिक्कत नहीं। सो इन ऑर्डर टू इंश्योर अस एंड आवर फ्यूचर जनरेशन वी मस्ट डू सम चेंज इन ऑर्डर टू suffices and meets the future requirement, and that's why by the use of technology we are making some change or manipulation
in the existing organization, and in that way we are getting some desired product, and this product may be in the form of medicines or maybe in the form of any plant variety or biological fitness or biofertilizer and whatsoever the need that we have. So this is the power of biotechnology. This is the capacity or power of the biotechnology. So this is the one aspect of biotechnology. The second aspect of biotechnology is biotechnology also classified. Now we are going to classify the biotechnology. So once again make an English classification of biotechnology. आखिर किसी टेक्नोलॉजी को क्लासिफाई क्यों करते हैं? क्लासिफाई करने से क्या मिलता है? हम उसमें स्पेसिफिक वर्क कर पाते हैं, हम उसके लिए स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी को हम डेवलप कर पाते हैं, उसको मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग सम क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं कि हम स्पेसिफिकली उस पर हम काम कर सकते. बायोटेक्नोलॉजी को हमने जो यहाँ पे क्लासिफाई किया है वो कितने में क्या है? दो में क्लासिफाई किया है, ऑन टू बेसिस. वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंट ऑफ जीन, एंड अदर इज द कलर और फील्ड. कलर और फील्ड जीन इन्वॉल्व, जहां भी क्या होगा जीन इन्वॉल्व होगा, दैट आर कॉल्ड जीन बायोटेक्नोलॉजी. एंड देयर इज नो जीन इन्वॉल्व, दैट आर कॉल्ड नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी. नॉन जीन जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए. व्हाट इज जीन? Gene is the functional unit of DNA, and one gene determines one character. One gene determines one character, and each and every character are determined by some gene. Each and every characters are determined by some gene. Remember it. So there we have manipulation. Are causes at gene level that are called gene biology. So either we are going to take some gene or involve some gene or simply remove some genes. So by doing manipulation at gene level, that is called gene biology. Means there are genes are involved. Gene are involved in manipulation, that are called gene biotechnology. And there are no genes are involved directly or indirectly. Genes are not involved. That are called non-gene biotechnology. So, direct involvement in the matter. When gene directly involved, that are called gene biotechnology. When gene directly not involved, that are called non-gene biotechnology. For example, crossing is a gene based change or non gene based change? Crossing is basically non gene based change. Of course, we are getting the obvious thing that are that causes character both. That causes character both. The purpose of crossing is to improve the variety. But in that cases, we are not capable to get a variety with the desired change. हम वहां पर डिजायर चेंज हमें नहीं मिलता, स्पेसिफिक कैरेक्टर में कुछ नहीं मिलता है. होलसम हाफ कैरेक्टर मेल का है, जो हाफ फीमेल का है, वो कैरेक्टर आएगा बच्चे ऑफ स्क्रीन. एक स्पेसिफिक कैरेक्टर में चेंज नहीं आएगा, तो वो जीन बेस्ड नहीं होगा. जीन बेस्ड चेंज का मतलब हुआ स्पेसिफिक चेंज की बात. तो देयर आर जीन इन्वॉल्व दैट चेंज आर स्पेसिफिक चेंज. मैं सब इंडिविजुअल को नहीं बदले. इन दिस वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द इंडिविजुअल. इंडिविजुअल को मेंटेन रखें, उसमें कुछ कैरेक्टर ले आए. जैसे ह्यूमन ह्यूमन रहे, किसी ह्यूमन में सिंग ला है, सिंग वाले ह्यूमन रहा, तो हम किसी एनिमल्स का ठीक है क्या होगा?
जो सिंह है वो वाला जीव लेके आएंगे। कब एक सिंह वो लाएंगे, अदरवाइज हम ये नहीं लाएंगे जिसने एनिमल का बहुत सारा लिया है, उसने एनिमल ही बना दिया। तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन ह्यूमन ही रहे लेकिन सिर्फ डिफेंस का जो सिंह वाला जो, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक चेंज हो गया। और वैसे क्रॉसिंग में क्या हो रहा है, पूरा जानवर हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, जानवर ही हो जाएगा। ऐसा नहीं करें, और ऐसे में क्या होगा, समस्या हो जाएगी। तो यहां पर रखना, इसमें क्या क्या मौसम का क्रॉसिंग क्या है, क्रॉसिंग में आप दो ब्रीड को मिलाते हैं और ये चेंज क्या नॉजी। और जो मैंने कहा था कलर के आधार पर आपको बताओ, कलर के आधार पर से बटा हुआ है, दिस रेड बायोटिक इट डील्स अबाउट हेल्थ एंड मेडिसिन, हेल्थ एंड मेडिसिन। ये क्लियर हो गया, ग्रीन बायोटिक इट डील्स अबाउट एग्रीकल्चर, इट डील्स अबाउट एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। ग्रे बायोटेक डील्स अबाउट ग्रे एनवायरनमेंट, उसको करेक्ट कर लेता है, द कलर एनवायरनमेंट इज ग्रे। तो एग्रीकल्चर में जो प्लांट प्रोडक्ट बोले, एग्रीकल्चर के सब क्या प्लांट प्रोडक्ट, उसको करेक्ट कर लो, एनवायरनमेंट कर क्या ग्रे का सी एनवायरनमेंट कर, और ग्रे का एनवायरनमेंट कर देना, ग्रीन जो है ना वो प्लांट प्रोडक्ट। ब्लू क्या होगा, ओशन या मरीन, ओशन या मरीन रिसोर्सेस, इसका सर पे डीलिंग अबाउट बट ओशन रिसोर्सेस। व्हाइट क्या होगी, इंडस्ट्री का मरीन होगा, हां मरीन मींस ओशन, एक ही बात है मरीन और ओशन। व्हाइट पे डीलिंग क्या, इंडस्ट्री का, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेस, इंडस्ट्री जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, बेवरेज प्रोडक्ट हो गया, बेवरेज dairy product, beverage product all comes under the white bio. And dark bio में bio-weapons, bio-weapons, bio-terrorism and bio-terrorism, bio-weapons and bio-terrorism. So there are many other colors on that or many other fields on that we must talk about. But I don't think so. This is the और भी कई सारे कलर्स हैं, गोल्ड जोड़ सकते हो, येलो जोड़ सकते हो, जिंजर जोड़ सकते हो, बट से बट कलर जोड़ सकते हैं। वैसे बहुत सारे कलर बांटा हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अब याद रखना रेड जो भी है लिखा हुआ है, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट आउट ऑफ द वेरियस कलर्स, इसको याद रखो आप लोग। यहाँ पर आप लोग समझ चुके हो क्या, तो ये है बायोटेक का क्लासिफिकेशन, किसके अंदर किसका बात करेंगे, क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे, चार इधर से दे दिया, चार इधर से दे दिया, बोलेगा मैच कराइए, ठीक है, चार इधर से दे दिया, चार दे दिया, बोलेगा मैच कराइए। एक क्वेश्चन में दे देता हूं, फर्मेंटेशन ऑफ टी, ठीक है, जो टी क्वेश्चन है कि टी क्या है, एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट, टी मेकिंग इज परफॉर्म बाय फर्मेंटेशन ऑफ टी प्लांट। मैं क्वेश्चन समझ लो, लिख देता हूं, टी जो है इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीफ ऑफ टी प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, दिस प्रोसेस कम्स अंडर विच बायोटेक कलर, इट्स अ रेड ग्रीन व्हाइट व्हाइट और ग्रे व्हाइट, इसमें आएगा व्हाइट में आएगा, ग्रीन में आएगा, ग्रे में आएगा, रेड में आएगा। तो आंसर क्या होगा, व्हाइट ही होगा। इंडस्ट्रियल स्केल प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल प्रोड्यूस कर रहे हो, आगे बढ़े, इतना पहले आप लोग याद,
अगर बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग वन बाय वन बहुत सारे टॉपिक्स पर क्लास करेंगे, तो आपके जैसे पहला है ही ना आप लोग यहाँ पे, उसका नाम है आरडीटी, आरडीटी ऑल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीटी। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स में क्वेश्चन आएगा, साइंस के क्या है जीएस पेपर थ्री में आ गया, जीएस पेपर थ्री में आ गई, मैं निकल इसमें समझ बात। और थ्री के लिए ये पता नहीं होगा आप लोगों को, यहां पे ये जो टॉपिक है आरडीटी से मैं बात करने वाला हूं, तो यहां पे दो एस्पेक्ट्स में बात करेंगे, एक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन थ्री एंड मेंस, मेन मेन क्वेश्चंस क्या पूछेगा, प्री में क्या आएगा, प्री को तो हम अदर फील्ड देखेंगे, ये मेन का भी टॉपिक है, मेंस भी है क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन का फ्रेम आपको पता है, क्वेश्चन तो कई फ्रेम पूछ सकते हैं, क्वेश्चन का कई फ्रेम में आ सकते हैं, तो कभी कभी जब मेंस का टॉपिक जब पढ़ोगे खुद से भी इस टॉपिक को कई सारे फ्रेम में सेव करना चाहिए, एंड देन You have to discuss and think in that way. ठीक है। और फिर उसका एमसीक्यू क्या होगा प्री के लिए, या प्री के लिए जो क्वेश्चन होगा उसका फ्रेमिंग क्या हो सकता है। तो आप ऐसे अलग अलग क्वेश्चनों का आंसर लिख करके आप रखोगे तो नहीं काम करेगा, आप टॉपिक को ही कई सारे फ्रेम में आप उसको डील कर लो, थोड़ा सा उसको हम लोग समझ लो तो क्या क्या पॉसिबल उसके एस्पेक्ट हो सकते हैं, कितना फिजिक्स होता है, इन्हीं बातों को थोड़ा समझते हैं, और एग्जैक्टली क्वेश्चन कुछ भी आए हम उसको आंसर कर सकें। ठीक है, तो पहले मैं आंसर करना सिखाता जैसे आप करोगे, कुछ बातें जो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है वो बातें क्या है, कुछ वर्ड्स है यूपीएस के में जैसे आएगा क्वेश्चन के लास्ट में आ सकता है, वो वर्ड जाते हुए यूज होता है क्वेश्चन के लास्ट में आ जाए, ठीक है ना, या स्टार्टिंग में कहीं कहीं डिस्क्राइब करने, डिस्कस करने, इन्यूमरेट करने, इलेबोरेट करने, ठीक है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन देने के लिए, शॉर्ट नोट लिखिए, कहीं पे लगेगा कि एनालाइज कीजिए उसको, कहीं पे लिखा जाएगा क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, जुडिशियस रिव्यू दीजिए, या एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिखिए, सिंपल वर्ड में प्रोज एंड कॉन्स के बारे में।